हम मौजूद हैं ऐतिहासिक गुजरात विश्वविद्यालय में, एक ऐसी जगह है जिसने हिंदुस्तान की राजनीति में कई आयाम दिए हैं, कई आंदोलन यहां से शुरू हुए, और आज जब गुजरात में विधानसभा चुनाव चरम पर हैं और पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी बिगुल दोनों पार्टियों ने पूरा फूंक रखा है, तो आइए चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या क्या वो मुद्दे हैं जो न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि जिनके आधार पर गुजरात के विधानसभा का निर्धारण होना है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद किरीट भाई सोलंकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किरीट भाई यहीं स्थानीय सांसद भी हैं। अमी आग्निक जी नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। किरीट भाई, लगातार आपकी सरकार इस राज्य में रही है, आप यहाँ के सांसद भी हैं, लेकिन क्या वाकई में 150 सीटों का दावा ये बहुत ज़्यादा नहीं लगता? मैं आपके न्यूज़ नेशनल चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि गुजरात में करीबन 22 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, चाहे वो 2002 का चुनाव हो, चाहे वो 2007 का चुनाव हो जी, चाहे वो 2012 हो और इस बार 2017 का चुनाव हो, लगातार गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। अक्सर ऐसा होता है जी कि कोई पार्टी 5 साल के बाद चुन के जाती है, तब एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उसके सामने उभर के सामने आता है जी, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, कई राज्यों में हुआ, मगर गुजरात में नहीं होता है। इसका कोई मायना होना चाहिए, इसका कोई मायना होना चाहिए। हाँ। गुजरात की सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, लोगों के कल्याण के काम करती है, विकास के मंत्र को लेकर आगे जाती है, और विकास का मंत्र कैसा है, विकास का मंत्र ऐसा है सबका साथ और सबका विकास। अमित जी, जाहिर सी बात है आप विपक्ष में हैं, दावों को खारिज करेंगी, लेकिन क्या आप वाकई में आश्वस्त हैं कि बीजेपी की सरकार ने गुजरात को वो दिया है जो कोई और नहीं दे सकता था? वो बीजेपी सरकार का दावा है जी कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है। मुझे तो पिछले 2-3 साल में जो लग रहा है कि पहले तो 3 आंदोलन दिए हैं जो अपने बच्चे हैं, इस राज्य के हैं, जो दलित बच्चों ने अपना हक मांगा जी, जो पाटीदार आंदोलन चल रहा है, अपने ही बच्चे हैं, राज्य के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन्होंने कुछ मांगे रखी तो उनको घर में जाके पीटा, उनकी महिलाओं को जाके घर में पीटा, नुकसान किया। और तीसरा है जो ठाकुर वाला जो आंदोलन है, तो ये सारे युवा यहाँ के हैं, गुजरात के हैं, तो क्यों ये अपनी मांगे रख रहे हैं, क्यों डिमांड कर रहे हैं, तो ये गुजरात का पिक्चर है। अरे भाई, 22 साल से आप शासन में हो, आप विपक्ष की बात ही क्यों सुनते हो? आपने जो किया 22 साल में वो बताओ। हम आप विपक्ष को भूल जाओ, आप कांग्रेस की क्यों चिंता करते हो? वो तो हारी हुई पार्टी है, यहाँ सत्ता में नहीं है। पर आपको क्यों इतनी बौखलाहट हो गई है कि 50 मंत्री को उतारा है यहाँ पे, जिसको गुजरात का पता नहीं है? इसका जवाब तो किरीट भाई देना पड़ेगा आपको। हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर देश के प्राइम मिनिस्टर के ना तो बीजेपी के हैं, वो भी दौड़ा करने लगे हैं। अरे भाई, इसका जवाब दो किरीट भाई। सबसे पहले तो मैं मैडम को बताऊंगा कि मैडम ने बोला कि अलग अलग कम्युनिटी में असंतोष है जी, पाटीदार समाज में। मेरा स्पष्ट दावा है कि कांग्रेस सामने आमने सामने का युद्ध भाजपा से कर सकती नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस को प्रॉक्सी वॉर करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए किरीट भाई कि ये भी तो कह सकते हैं कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा, 3 विरोधी मिले, कांग्रेस ने लपक लिया, जैसे आप लपक रहे हैं कांग्रेस के भागियों को। जो मैडम ने बताया वो जी, के मैडम ने बोला कि प्रधानमंत्री यहाँ क्यों आते हैं और इतने सारे मंत्री वहां से क्यों आते हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपको बताऊं कि भाजपा और कांग्रेस में इसकी तुलना करें तो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ एक ऐसा बड़ा नेतृत्व है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम वाला, वहां क्या है नेतृत्व, राहुल गांधी है। मैग्नीफाइंग लेंस लेकर भी घूमने जाओगे, आपको नेतृत्व नहीं दिखेगा आपको। नंबर दो, हमारा जब युद्ध करते हैं, हम जानते हैं कि कांग्रेस बहुत वीक है, कांग्रेस वीक है, मगर हम चुनाव को कभी हल्के से नहीं लेते हैं। जब चुनाव आता है तब हमारे सभी लोगों को मैदान में उतारते हैं। यार ये तो जो होना चाहिए, इसका एक जवाब तो बनता है। दो जवाब, पहले तो मैं इस भाषा प्रयोग से बहुत अप्रूव नहीं करती। ये एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, इलेक्शंस इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया जी, आफ्टर आज़ादी हमने ये बरकरार रखी है। ये युद्ध शब्द और वॉर शब्द, इनकी लैंग्वेज देखो, ये युद्ध है कोई, वॉर है कोई, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक प्रोसीजर है।
और आप ऐसे कहते हैं कि भाई आंदोलनकारी को आपने बना दी, ये पीछे से आए आगे से आए। अरे भाई, वो तुम्हारे सामने कह रहे थे गिड़ गिड़ा कर कि हमें सुनो, हमारी मांगे हम रखते हैं, पर आपने तो उनको बीच रास्ते में पीटा दलितों को। इसे तो मानना पड़ेगा। मैं डिफर होता हूं आपसे जी। मैं पहले मैडम को बताना चाहता हूं जी कि लोकतंत्र में चुनाव, हेलो, मैं वो युद्ध से उसकी मैं नहीं करता हूं। और आपने भी ये लिखा है दंगल 2017। दंगल तो आप दोनों के बीच में है। दंगल 2000। दंगल आप दोनों के बीच में है। दंगल और वॉर में फर्क है भाई। ये लोकतंत्र। दंगल तो अखाड़े में होता है और वही है ये। जहाँ तक मैं इन तीन युवाओं की बात करता हूँ जी, उसको भ्रमित किया गया है। ये बताइए, आज क्या रोजगार पूरी तरीके से उपलब्ध है? राहुल गांधी कहते हैं 30 लाख लोग बेरोजगार है, क्या आप लोग नौकरी है सब जगह के पास? नौकरी भी है और बहुत सारा विकास हो रहा है सब जगह। नौकरी है आपके? हाँ, नौकरी है। किसी के पास कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात जी साहब, नौकरी है क्या? मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जो अपने आदमी होंगे तो अपना ही बोलेंगे। आज गुजरात की क्या हालत है ये बोले, विकास हो रहा है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब 22 साल शासन कर रहे हैं, विकास हो रहा है, तो अब मौलवी मुल्लाओं का सहारा क्यों लिया जाता है और जादूगरों का सहारा क्यों लिया जाता है? अच्छा, ये आप इसका इनका जवाब दे दे, फिर मैं साहब इनका जवाब दूंगा जी। जी, ये हमारे जो परम मित्र है, मैं इनका सम्मान करता हूँ जी, मगर जब कांग्रेस का शासन था पहले जी, यहाँ टैंकर राज था, पानी के लिए गांव में और अहमदाबाद शहर में टैंकर जाता था। अभी भी है, जब राजकोट अभी में, भी है, जब राबी नहीं अभी है, भी है, जब राजकोट में, अरे अभी भी है, आप जाके देखो, यहाँ से पानी भर कर ट्रेन भेजी गई थी, पानी भर कर ट्रेन। और आज मैं इनको बताना चाहता हूँ जी, क्या क्या 24 घंटा बिजली गाँव में भी मिलती हो, 3 फेज मिलती हो, क्या रास्ते एकदम सड़क रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, क्या शिक्षा में परिवर्तन हो अच्छा हो, क्या गरीबों की बात करते हो, 30 लाख लोग सशक्तिकरण, राहुल गांधी कहते हैं 30 लाख लोग बेरोजगार हैं, क्या क्या? अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी का आरोप, अमित जी, राहुल गांधी जो ये बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी 30 लाख का फिगर पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं, ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट पूरा है, कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पूरा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये 30 लाख बेरोजगार की बात कहाँ से आई? ये आंकड़ा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लिया गया है, कोई ना नहीं कह सकता। ये शिक्षित बेरोजगार का आंकड़ा वो डेटा से लिया गया है, जो उनको पता नहीं, सांसद है तो शायद राज्य का ध्यान नहीं रखते होंगे, पर ये डेटा आप देख लो, वो उसमें से निकला है। 30 लाख शिक्षित बेरोजगार है, हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो हमने आंकड़ा लिया ही नहीं है। और ये बार बार जो कहते हैं 22 साल, अरे 22 साल में आप पानी नहीं पहुंचा सके क्या? आप देखो जाके भावनगर के इंटीरियर में, आज भी विमेन मटका लेके लाइन में खड़ी रहती है आधे किलोमीटर तक। क्या क्या आप जमीन से विमेन को विनम्रता से बताना चाहता हूँ जी कि मैं पार्लियामेंट में जरूर बैठता हूँ, मगर मुझे यहाँ के लोगों के मुझे आशीर्वाद दे के चुन के वहाँ भेजा है। यहाँ गाँव गाँव, यहाँ हर गली हर मोहल्ला गुजरात में हम घूमते हैं और देश का भी ख्याल रखते हैं। नर्मदा योजना, सरदार सरोवर योजना, पंडित नेहरू ने 64 में उसकी नींव रखी थी जी। इसके बाद सालों तक, कई डिकेड्स तक, करीबन 25 से ज्यादा सालों तक वो लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया, निर्णय नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था। नर्मदा योजना का मैं जरा आपको याद दिला दूं, ये मामला 2000 तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। 15वीं साल 2000 के बाद इस पर कार्रवाई शुरू हुई है। लोकसभा में सांसद था जी, नर्मदा डैम की हाइट बढ़ाने के लिए जी, 122 मीटर से ऊपर उठाने के लिए मैंने पार्लियामेंट में 6 बार जी मैंने प्रश्न उठाया था जीरो ओवर में। आप जानते हो जीरो ओवर क्या होता है? नरेंद्र मोदी जी जब चुन के 2014 में गए, 17वें दिन 17th डे पर उन्होंने निर्णय लिया और ये इसकी जो हाइट है पूर्ण हाइट यानी कि 138 मीटर हाइट करने का निर्णय नरेंद्र भाई, अगर किरण भाई मैं आपकी बात मानूं, दरवाजे लगाने का काम था जी, वो भी नरेंद्र भाई की सरकार। किरण भाई, अगर मैं आपकी बात मानूं तो बोलना चाहता हूं, क्या ये माने कि साल 2014 के बाद ही हिंदुस्तान में कुछ हुआ है? साल 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ क्या हिंदुस्तान में? किया है, हम इनका स्वीकार करते हैं, मगर फास्ट ट्रैक गति पर जो हुआ है, गरीबों के लिए जो हुआ है जी, आज आप मैं आपको तो ये सूट बूट की सरकार नहीं है, ये सूट बूट की सरकार नहीं है जो कि गुजरात और केंद्र में है। आप मुझे एक जवाब दीजिए जी, 33 करोड़ लोगों का जी जनधन में खाता नरेंद्र भाई की सरकार ने खुलवाया, इसका मतलब ये है कि 33 करोड़ लोग जी बैंक के दरवाजे तक नहीं गए थे।
उनका बैंक में खाते तक नहीं था। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों ने क्या किया था। जी अच्छा अमित जी, इसका जवाब तो बनता है, जनधन अकाउंट खुलवाने का श्रेय तो एक तरह से बीजेपी की सरकार को जाता है। ये बात अलग है कि उसमें पैसे हो या ना हो, लेकिन वो अलग मुद्दा है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये बैंक अकाउंट तो कब के टाइम से खुले है, जी, जब से UID ये जो नंबर आधार का था जो कांग्रेस सरकार लाई थी कि जो बेनिफिट्स मिलता है सबको वो सब तक पहुंचना चाहिए और बैंक अकाउंट, तो क्या कर रही थी ये सारी बैंक्स 10 साल में बैठी रही थी वैसे अगर खाते नहीं खुले थे तो। अच्छा एक बुनियादी सवाल, आज राहुल गांधी जर्जर घूम रहे हैं और सबसे बड़ी बात है जो बीजेपी आरोप लगा रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसका स्पष्टीकरण दें कि तमाम मंदिरों में जा रहे हैं और एक तरह से धर्म की शरण ले रहे हैं, क्या धर्म की शरण लेना वाकई में आवश्यक है राहुल गांधी के लिए? नहीं, धर्म की शरण तो हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी एक पार्टी जो सत्ता में गुजरात में नहीं है जी, तो बार बार आते हैं, हमारे उपाध्यक्ष है, उनका आना बनता है क्योंकि पार्टी को अगर सत्ता में लाना है तो वो आके जमीनी हकीकत देखते हैं आके और जगह हर जगह जाते हैं। गुजरात में जो भी आता है, मुझे कहीं भी दुनिया भर में कभी भी कोई मिलता है जिसको गुजरात आना है वो मुझे अवश्य पूछते हैं कि हम सोमनाथ कितना दूर पड़ेगा हम अहमदाबाद से, या अंबाजी माता का मंदिर कितना दूर पड़ेगा। जो भी गुजरात में आता है वो मंदिरों में जाता है जी। बीजेपी को बौखलाहट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका इजारा नहीं है मंदिर पे, कोई भी आके मंदिर जा सकता है, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि कौन से नेता कब आते हैं और कितने मंदिर जाते हैं। इस बार क्यों ध्यान रख रहे हैं? मंदिर मंदिर या देवालय, मंदिर और देवालय जाने में क्या आपत्ति है? अगर राहुल जी जा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, हम तो उसका स्वीकार करते हैं। हम भारतीय है और हमारे जीवन पद्धति में भगवान को स्मरण करना, भगवान के स्थान पर जाके प्रार्थना करना, चाहे कोई भी धर्म का हो अपने अपने स्थानों पर कर सकता है, हम तो पहले से करते आते हैं, मगर इसको यह 17 के चुनाव के वक्त याद आया है। मैं समझता हूँ हमें अच्छा लगा कि वो मंदिर जाने लगे, नहीं लेकिन वो लेकिन वो खुशी आपकी दिखती नहीं है। वो दिल्ली के अक्षरधाम में नहीं गए, बात तो है, वो अहमदाबाद के अक्षरधाम में गए। किसी की पर्सनल आस्था पे आपको कमेंट नहीं करना चाहिए और खुश भी नहीं होना चाहिए, दुखी भी नहीं होना चाहिए। 22 साल में क्या किया, बस 22 साल में क्या किया उसका जवाब दे दो। वो काम नहीं है क्या? नर्मदा का पानी यहाँ आया वो काम नहीं है? कब लाए? अच्छी सड़कें, पहले ऐसा कहा जाता था कि अगर आप दूसरे प्रदेश में से दूसरे राज्य में से गुजरात की ओर आते हैं आप, ऐसे आपकी गाड़ी चलती है, जैसे आपकी गाड़ी स्मूथ चलने लगे आपको अपने आप में पता होता था कि हम गुजरात में प्रवेश कर चुके हैं। एक आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त बहुत कम है, पद्मावती विवाद के जरिए भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाह रही है? क्या वाकई में ये सिर्फ ठाकुर या राजपूत सेंटिमेंट की बात है या दरअसल ये वोट पॉलिटिक्स है जो आप गुजरात चुनाव की वजह से कर रहे हैं? कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है, कोई तथ्यों के साथ, अगर इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ के किया जाता है तो कोई भी कंसर्न व्यक्ति उसका विरोध करेगा, उसको आप बीच में चुनाव का क्यों लगते हैं? हम तो विकास के मुद्दे को लेकर जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि बीजेपी के विकास के बिल्कुल, तो बीजेपी के राज्य के मुख्यमंत्री क्यों प्रतिबंध करने की बात करते हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको बैन कर दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बैन करना चाहते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री बैन करना चाहते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री उसको बैन करना चाहते हैं, ये क्या मतलब है? हेलो, आप चाहते हो कि गुजरात में चुनाव चल रहा है अभी, वो मूवी को दिखाया जाए और गुजरात में हल्ला हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर चला जाए, आप ऐसा चाहते हो? अमित जी ऐसा है क्या? क्या वाकई एक फिल्म को देखने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी? बड़ी समस्या होती है। फिल्म इंडस्ट्री की हर फिल्म को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके पास जाना पड़ता है जी। बिना देखे जो कुछ यहाँ चल रहा है उसके लिए हमें, हम एक एजुकेटेड सिविलाइज्ड कंट्री है, हमें जरा सोच के विचार विमर्श करके डायलॉग करके जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उस पर छोड़ देना चाहिए। पर ये एक ऑब्जर्वेशन जरूर लोग करते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में क्यों उसका बैन है। अब जब दोनों माफ़ी मांग रहे हैं तो बहुत अच्छा माहौल है ये। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये चुनावी स्पर्धा है, जाहिर सी बात है, और इसमें अपनी अपनी बातें रखते हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।